हेलो गाइस, वेलकम टू गेमिंग शावर। सो गाइस, अगर आपको सर्वाइवल गेम्स बहुत ज्यादा पसंद हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक या दो नॉर्मल से ही सर्वाइवल गेम्स के बारे में पता है जिन्हें आप बहुत ज्यादा खेल चुके हो और उनका एंड भी कर चुके हो, लेकिन आप और भी सर्वाइवल गेम्स को खेलना चाहते हो जिन्हें खेलने में आपको और भी ज्यादा मजा आए और वो सभी गेम्स आपको एक बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल गेम का एक्सपीरियंस कराए और साथ ही आपके नॉर्मल से 1GB और 2GB रैम के डिवाइस में भी आराम से वर्क करे। सो उसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही जबरदस्त से टॉप 5 सर्वाइवल गेम्स, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के सर्वाइवल गेम्स देखने को मिलेंगे। और गाइस, आपके लिए कौन सा गेम सबसे ज्यादा अच्छा है ये डिसाइड करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना होगा, क्योंकि सभी गेम्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं और आपके लिए भी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए किसी भी गेम को मिस मत कीजिएगा। और गाइस, जितने भी गेम्स आज मैं आपको बताऊंगा उनमें आपको सारी ही चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको एक सर्वाइवल गेम में देखने को मिलती है, और साथ ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत कम सर्वाइवल गेम्स में देखने को मिलते हैं, और साथ ही सभी गेम्स में आपको बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स और काफी स्मूथ गेम प्ले भी देखने को मिलेगा। फिर चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, सभी गेम्स आपके डिवाइस में एकदम मक्खन की तरह चलने वाले हैं। सो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और हाँ गाइस, काफी टाइम से मैंने नहीं बोला है और बहुत सारे लोग वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, जो कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज उस रेड बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे फर्स्ट गेम का नाम है टुमारो सर्वाइवल और इस गेम का जो साइज है वो है 185 MB। सो गाइस, ये एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सर्वाइवल गेम है जिसमें आपको एक कस्टमाइज प्लेयर बनाने से लेकर अपनी मनपसंद का जैसा चाहे वैसा सर्वाइवल घर बनाने तक सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। सो गाइस, इस गेम में आपको साल 2040 की वो दुनिया देखने को मिलेगी जो कि एक रेडियो एक्टिव धमाके की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक दुनिया में बदल चुकी है और जिसके अंदर हर एक जिंदा चीज अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप और आपके ऐसे कुछ लोग बचे हुए हैं जिन्हें अब जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करना होगा इस बहुत ही ज्यादा बड़े से आइलैंड पर, और चीजों को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना होगा और अपने लिए खाना ढूंढना होगा और इकट्ठा करना होगा, और रात को आप बिल्कुल सेफ रहो और सो पाओ उसके लिए आपको अपना घर बनाना होगा। और इतना ही नहीं, जिंदा रहने के साथ साथ आपको लड़ना होगा अजीब तरह के इन्फेक्टेड मॉन्स्टर से, जिनसे लड़ने के लिए आपको बनाने या क्राफ्ट करने होंगे वेपन्स, और वेपन्स में आप एक नाइफ से लेकर प्लाज्मा गन तक सभी तरह के वेपन्स और आइटम्स को क्राफ्ट कर सकते हो जो कि आप बहुत ही इजीली बना पाओगे इस गेम के क्राफ्टिंग सिस्टम का यूज करते हुए। और गाइस, बहुत सारी चीजें या फिर लूट तो आपको एरिया को एक्सप्लोर करते हुए भी मिल जाएगी, और एक और अच्छी चीज, इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर में भी खेल सकते हो। और गाइस, जैसे कि आप गेम प्ले में ग्राफिक्स देख पा रहे हो जो कि गेम के मीडियम ग्राफिक्स हैं, मतलब कि इस गेम को आप और भी ज्यादा हाई ग्राफिक्स पर प्ले कर सकते हो, और साथ ही आपको काफी स्मूथ गेम प्ले भी देखने को मिलेगा। और हाँ गाइस, ये गेम आपके नॉर्मल से 1GB और 2GB रैम के डिवाइस में आराम से चल जाएगा, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा ये गेम है, और इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट करके बताना कि आपको गेम कैसा लगा। सो गाइस, हमारे सेकंड गेम का नाम है दी वुल्फ और इस गेम का जो साइज है वो है 116 MB। सो गाइस, ये एक काफी यूनिक सर्वाइवल गेम है जिसमें आपका जो कैरेक्टर है वो एक भेड़िया है और आपको उसी भेड़िए की लाइफ को जीते हुए गेम में सर्वाइव करना है, मतलब कि इस गेम में आप देख पाओगे और एक्सपीरियंस कर पाओगे भेड़िए की एक एडवेंचरस लाइफ को, जिसमें आपको जिंदा रहने के लिए एक असली भेड़िए की ही तरह खाना खाना होगा जो कि आपको मिलेगा अपने से छोटे जानवरों जैसे कि चूहे, खरगोश, लोमड़ी, रकून और बैल का शिकार करके, और साथ ही आप अपने से बड़े और ताकतवर जानवरों जैसे कि शेर, चीते और हाथी का शिकार ना बन जाओ उसके लिए आपको अपने साथियों यानी कि अपने जैसे भेड़ियों के साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा। और गाइस, जितने ज्यादा जानवरों का आप शिकार करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी हेल्थ स्किल्स और पावर बढ़ती जाएगी, जिससे कि आप और ज्यादा ताकतवर जानवरों का शिकार कर पाओगे, क्योंकि इस गेम में आपको मोस्टली सभी जानवर देखने को मिलेंगे जो कि अपने अपनी जगह पर सर्वाइव कर रहे होंगे, और साथ ही आपको इस गेम में कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। सो गाइस, अगर आप एक अलग तरह का जबरदस्त सर्वाइवल गेम खेलना चाहते हो तो इस गेम का डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस गेम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और कमेंट करके बताना कि आपको गेम कैसा लगा। सो गाइस, हमारे थर्ड गेम का नाम है डार्क डेज ज़ॉम्बी सर्वाइवल और गाइस, जैसा कि इस गेम के नाम से ही पता चल रहा है कि इस गेम में आपको ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे जिन्हें आपको किल तो करना होगा ही, और क्योंकि इस गेम का जो साइज है वो है 627 MB, तो ज़ॉम्बी को किल करने के अलावा भी आपको इस गेम में बहुत सारी चीजें देखने को और करने को मिलने वाली है, मतलब कि इस गेम में जो अर्थ है वो पूरी तरह से किसी महामारी की चपेट में आ गई है जिसकी वजह से इस दुनिया में लगभग पूरी आबादी ज़ॉम्बीज में बदल चुकी है, तो अब आपको आखिर तक जिंदा रहना होगा जिसके लिए आपको
सर्वाइव करना होगा और लड़ना होगा अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज़ से और अपना घर बनाना होगा और साथ ही एरिया को एक्सप्लोर करते हुए सामान को अपनी इन्वेंट्री में इकट्ठा करना होगा जो कि आपको आगे काम आएगा। और गाइस सबसे मेन चीज, ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए आपको वेपन्स और इक्विपमेंट्स क्राफ्ट करने होंगे और इस गेम में भी आप सारे ही वेपन्स और गन्स को क्राफ्ट कर सकते हो जो कि काफी अच्छी बात है। और इस गेम में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें एक बहुत ही जबरदस्त बड़ा सा फाइटिंग रोबोट देखने को मिलता है जिसके अंदर बैठकर आप उसे खुद चला पाओगे और उस रोबोट के ऊपर अलग अलग वेपन्स अटैच होते हैं जैसे कि मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर जिससे आप बड़े या फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज से एक साथ फाइट कर सकते हो। सो गाइस ये फीचर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और बाकी तो सभी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं और इस गेम का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट करके बताना कि आपको गेम कैसा लगा। सो गाइस हमारे फोर्थ गेम का नाम है प्रोजेक्ट आरआईपी और इस गेम का जो साइज है वो है 895 MB। सो इस गेम के बारे में आपको बताऊं तो ये एक FPS हॉरर सर्वाइवल गेम है जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है, मतलब कि इस गेम में भी आप कहीं पर भी जा सकते हो। और गाइस इस गेम में भी आपको सर्वाइव करना होता है ज़ॉम्बीज से अपने खतरनाक वेपन्स का यूज करते हुए। और गाइस चूंकि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है इसलिए ज़ॉम्बीज भी सिर्फ एक ही तरफ से नहीं आने वाले बल्कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज आएंगे जिनसे लड़कर आपको बचे रहना है और सर्वाइव करना है। और गाइस इस गेम में आपको अलग अलग गेम मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको एक स्टोरी मोड और एक एंडलेस बैटल मोड भी देखने को मिलेगा। सो स्टोरी मोड तो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा जिसमें आपको जबरदस्त तरह के अलग अलग मिशंस भी कंप्लीट करने होंगे और सभी ज़ॉम्बीज को रेस्ट एंड पीस करना होगा। और गाइस वेपन्स की बात करें तो इस गेम में भी आपको सभी तरह की गन्स देखने को मिल जाती है जिन्हें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। गन्स के साथ साथ आप गेम की बाकी सारी चीजों को भी कस्टमाइज कर सकते हो और साथ ही आप अपने डिवाइस के हिसाब से ग्राफिक्स को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। सो गाइस काफी अच्छा ये गेम है और ये गेम आपको प्ले स्टोर पर भी इजीली मिल जाएगा और इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है तो आप वहां से भी इस गेम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट करके बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा। सो गाइस हमारे फिफ्थ गेम का नाम है लॉस्ट इन ब्लू और इस गेम का जो साइज है वो है 103 MB। सो गाइस ये गेम आपको कुछ कुछ लास्ट डे ऑन अर्थ के जैसा देखने को मिलता है जिसमें आप एक पैसेंजर प्लेन में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हो और मौसम के काफी ज्यादा बिगड़ने की वजह से आपका प्लेन क्रैश हो जाता है और सीधा जाकर गिरता है एक बहुत ज्यादा बड़े से अनजाने आइलैंड पर जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है सिर्फ नीले समुंदर से। सो गाइस अब आपको सर्वाइव करना होगा इसी बड़े से टापू पर जब तक आपको घर जाने का कोई तरीका नहीं मिल जाता या फिर आपको कोई लेने नहीं आ जाता, तब तक आपको जिंदा रहना होगा और सर्वाइव करना होगा इस मॉन्स्टर से भरे हुए टापू पर। और गाइस इस गेम में भी आपको वो सभी चीजें करनी होगी जो आपको जिंदा रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको अपने लिए खाना और यूजफुल सामान इकट्ठा करना होगा और घर बनाना होगा और साथ ही हथियार बनाने होंगे मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। और गाइस इस गेम का जो व्यूइंग इंटरफेस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसमें कि आपको कंट्रोल्स भी काफी ज्यादा अच्छे और स्मूथ देखने को मिलते हैं। सो गाइस ये गेम भी आपको काफी अच्छी सर्वाइवल गेम का एक्सपीरियंस कराएगा। सो इसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट करके बताना कि आपको गेम कैसा लगा। सो गाइस यही थे आज की इस वीडियो कुछ टॉप 5 अलग अलग कैटेगरी के सर्वाइवल गेम्स जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त थे और सभी गेम्स का साइज भी काफी कम था और सारे ही गेम्स आपके सभी डिवाइस में एकदम आराम से चल जाएंगे। सो गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से गेम को डाउनलोड करना चाहिए। सो मुझे उस गेम का नाम कमेंट करके जरूर से बताना जो कि आपको पांचों गेम्स में से सबसे ज्यादा पसंद आया। और गाइस आपको जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी के सर्वाइवल गेम्स की वीडियो चाहिए मुझे उस गेम का नाम भी कमेंट करके जरूर से बताना जिससे कि मैं उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के टॉप 5 सर्वाइवल गेम्स की वीडियो आपके लिए जल्दी से लेकर आ जाऊं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज उस रेड बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।